अच्छा यार गाइस, एक बात है कि हालात और दिन की अभी ये सिचुएशन हो गई है कि गर्मी की वजह से दिन तो बहुत लंबे हो गए, लेकिन काम के ये हाल है कि इतने लंबे दिनों में भी यार वो काम ख़त्म नहीं होते। टाइम इतना बढ़ गया है दिन का, लेकिन फिर भी उसके साथ काम भी इतने बढ़ गए कि ख़त्म नहीं हो रहे होते। खैर मैं जो हूँ अभी इवनिंग से मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, आज बहुत ही छोटा सा व्लॉग, लेकिन आपके लिए काम का व्लॉग है, सो डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो अभी ये जो है ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, तो इसमें मैंने कहा चलो मैं आपसे थोड़ी सी स्किन केयर शेयर करती हूँ, साथ में मैं आपसे एक और चीज़ कहूँगी आगे जाकर, वो आपको मैं बात बताती हूँ। निव्या सीरम 1 2 3 कौन सा ये वाला लगाऊंगी? सो मैंने जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा अपनी सीरम आपके साथ शेयर कर देती हूँ। ये जो विटामिन सी का सीरम है ऑर्गेनिक ट्रैवलर का, और ऑर्गेनिक ट्रैवलर का विटामिन सी का मॉइस्चराइजर, ये दोनों आप अपनी रूटीन में फिलहाल इनमें से कोई भी एक चीज़ रख लो, यानी कि विटामिन सी होना चाहिए, चाहे वो सीरम फॉर्म में हो चाहे वो मॉइस्चराइजर फॉर्म में हो। और जो मैं आपको हेलोरॉनिक एसिड का एक और सीरम बता रही थी, तो वो देखेंगे ये वाला है लॉरेल पेरिस का, जो पर्पल कलर का मेरी ड्रेसिंग टेबल पर नजर आ रहा है ना, ये इसका भी रिजल्ट बहुत अच्छा है। लेकिन इससे पहले जो मैंने आपको रिव्यू दिया था ना डी5 डर्म वाले का, यार उसका बहुत अच्छा ज़्यादा रिजल्ट है ना। और मैं आपसे एक बात कहूँगी कि आप लोग ना मतलब चीज़ सुना करो, वीडियो पूरी देखा करो, उसमें सारे आंसर्स होते हैं। आप कॉमेंट्स में फिर मुझसे वही रिपीटेडली क्वेश्चन पूछ रहे होते हो। खैर अभी मैंने जो सीरम यूज़ किया है वो किया है वन स्किन का। अच्छा ये वाला सीरम मैं इसलिए स्पेशली यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मॉर्निंग स्किन कह रही है मेरी। और मैं आपको एक बार बताऊं कि विटामिन सी आजकल तो लोग ख्याल ही नहीं करते, पर विटामिन सी जो है ना वो नाइट में अपनी स्किन केयर में इंक्लूड किया करें। सुबह में या दोपहर में जो आप विटामिन सी इंक्लूड करते हैं ना, दैट इज़ वेरी बैड फॉर अ स्किन। वो इवन आपकी स्किन को हाइपर पिगमेंटेशन भी करवा सकता है, इस बात का आपको पता है। सो बस ये वाला जो है ये हो गई है मेरी स्किन केयर। मैंने सबसे पहले लगाया था अपना मॉइस्चराइजर, ओ सॉरी सीरम वन स्किन का, वो जो है ना एक्चुअली उसमें अल्फा आर्बुटिन है, एंड अल्फा आर्बुटिन दैट इज स्किन वाइटनिंग इंग्रेडिएंट। तो मुझसे कोई स्किन वाइटनिंग का भी पूछ रहा था कोई भी क्रीम्स या सीरम्स, तो आप ये वन स्किन का जो सीरम है वो यूज़ कर सकते हैं स्किन वाइटनिंग के लिए, बिकॉज उसमें जो है अल्फा आर्बुटिन इंग्रेडिएंट मौजूद है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर स्किन वाइटनिंग। और जो है उसके बाद यहाँ पर हो गया है मेरे नाश्ते का टाइम, और मैंने आज नाश्ते में एज़ यूजुअल आलू बनाए हैं। और आपको पता है इतनी ज़्यादा गर्मी हुई है, तो आजकल जो है ना मैं बिल्कुल भी ये वाला व्लॉग तो थोड़ा सा ही मैंने बनाया, लेकिन मैं जो हूँ वो हिजाब के साथ जो है वो मतलब दुपट्टा सर पे ओढ़े हुए नहीं बना सक रही, तो इस वजह से ना मैंने मतलब फेस का कम से कम, ताकि क्योंकि मैं जो हूँ कोशिश करती हूँ कि बाल ना दिखाऊँ, थोड़े बहुत नज़र आ रहे होते हैं क्योंकि मैं एज़ परफेक्ट हिजाब नहीं लेती वो, लेकिन फिर भी बस जहाँ तक बंदा एहतियात कर सकता है एहतियात करे। और वैसे मैं तो ये कहती हूँ कि देखें जो गुनाह है ना वो इंसान की खसलत है, और ना मतलब हर किसी के गुनाह का लेवल अलग होता है। मैं ये समझती हूँ, मैं तो अपने आप को बिल्कुल भी नेक नहीं समझती, मैं तो भाई साफ साफ खुल्लम खुल्ला बोलती हूँ हाँ मैं गुनाह करती हूँ, और गुनाहों से परहेज़ करने की कोशिश भी करती हूँ, बट स्टिल आई एम ह्यूमन बींग, हो भी जाते हैं। और हर किसी की लाइफ में आप मतलब आप कमेंट्स करके मतलब आप कमेंट्स में अक्सर लोग कभी क्या कोई कुछ बोल देते कभी क्या, नो डाउट। अब हर किसी की अपनी सोच होती है ना, अगर मैं व्लॉग बना रही हूँ और उसमें मैं कोशिश करती हूँ मैं आपको काम की चीज़ बताऊँ, मैं कोई अपने व्लॉग्स में मेरी व्लॉग्स में कोई गैर अखलाकी या कोई अनएथिकल चीज़ नहीं होती, तो मैं नहीं समझती। मैं कहती हूँ इस चीज़ को कि मतलब अल्लाह ताला जो है वो बड़ा गफूर रहीम है, एक तो ये चीज़, और दूसरी बात कि अगर हम अपने लिए कोई स्ट्रगल कर रहे हैं स्पेशली लेडीज़ को, तो लेडीज़ भी अगर अपनी लिमिट्स में रहकर स्ट्रगल करें खुद को स्टेबल करने के लिए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आजकल का दौर और आजकल के हालात ऐसे चल रहे हैं कि देखिए पाबंदियां लगाने वाले बहुत होते हैं आपकी लाइफ में, मगर उस चीज़ को समझकर और उस चीज़ को सेटल आउट करने वाले लोग बहुत कम होते हैं। स्पेशली कमाने के मामले में ना ज़्यादातर हम देखते हैं हमारी लाइफ में लेडीज़ पर ही पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, आपने ये नहीं करना आपने वो नहीं करना, लेडीज़ के लिए पर्टिकुलर फील्ड्स बस रख दी गई हैं और उनको बोला जाता है कि बस ये यही फील्ड बस है, इसी में ये काम करेंगी तो इनको हम अच्छा समझेंगे, और इसमें ये नहीं काम करेंगी तो हम इनको बुरा समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अब हमारे में टीचिंग प्रोफेशन हो गया या फिर डॉक्टर प्रोफेशन हो गया, इस प्रोफेशन को समझा जाता है कि अच्छा साथ साथ मेरा नाश्ता भी बन रहा है, ये मैंने आलू फ्राई करके उसके ऊपर एग्स डाल दिए हैं और साथ ही पराठा बन रहा है। हाँ मैं आपको ये बोल रही थी कि डॉक्टर और टीचिंग प्रोफेशन, ये जो दो प्रोफेशन से मतलब ये हमारे में बड़े इस तरह से रख दिए गए हैं कि भाई बस ये इसमें जो लेडीज़ जा रही हैं वो बहुत ही मतलब उनको हम कहें ना एक बहुत एहतराम की नज़र से देखा जाता है, इसके अलावा कोई भी फील्ड आप अगर चूज़ कर रहे हो स्पेशली सोशल मीडिया की, तो उनको जो है वो इस प्लेटफॉर्म को क्रिंज समझा जाता है, बट ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आजकल तो ये हालात हो गए हैं, क्योंकि मेरा भी प्रोफेशन इसका मेडिकल भी है, मतलब डॉक्टर प्रोफेशन भी मेरा, अब यार
इस प्रोफेशन में हो, चाहे टीचिंग प्रोफेशन हो, चाहे सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हो, कुछ भी हो, तो ये क्रिंज चीज़ हर जगह पर, हर प्रोफेशन पर, हर प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। सो आप एक चीज़ को सोशल मीडिया को टारगेट करके ये ना नहीं कह सकते कि ये तो ख़राब है और इसको यूज़ करने वाले भी ख़राब हैं। नहीं, कमेंट्स में मुझे काफ़ी दफ़ा इस तरह के भी कुछ लोग होते हैं जो मतलब कोई भी इस तरह की बात कर देते हैं, पर देखें ऐसा नहीं होना चाहिए ना। मतलब कि लिमिट्स का लेडीज़ को अपनी खुद ख्याल रखना है, फिर चाहे सोशल मीडिया हो या चाहे कोई भी और प्रोफेशन हो। सो ये अब यही मेरा आज का था छोटा सा व्लॉग। होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा। तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।